पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहले ये काम किया था जनरल कियानी के जनरल कियानी के दौर में. अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये पार्लियामेंट को भेजा है, ये मामला पार्लियामेंट को भेजा है, जो कि माजी में कभी नहीं हुआ है. मैं समझता हूँ कि ये पार्लियामेंट की कामयाबी है. ये कोर्ट का मानना है कि अब ताकत का सरचश्मा अवाम है और पार्लियामेंट जो है वो अवाम के नुमाइंदे हैं और वो ये फैसले कर सकते हैं. इसलिए मैं जोर दे रहा हूँ कि हम वो जमहूरी तरीक़ेकार अपनाएं, हम वो पार्लियामानी तरीक़ेकार अपनाएं जिससे इस कानून को, इस लेजिस्लेशन को लीगली और पॉलिटिकली वो लेजिस्लेसी देगा जो हुकूमत चाहता है. और मैं समझता हूँ कि ये बहुत सेंसिटिव इशू है. हम सब जानते हैं कि ये बहुत सेंसिटिव इशू है और उसी सेंसिटिविटी के साथ इसको डील करने चाहिए था. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का असूली मौकफ ये है कि हम इतना अहम इशू पे अननेसेसरी सियासत नहीं खेलना चाहते हैं. हम सिर्फ और सिर्फ अपना जमहूरी जो रूल्स है, प्रोसीजर्स है, जो तरीक़ेकार है डिफेंस कमेटी का भेजने का, उस पर जोर इसलिए दे रहे हैं कि अगर आप हुकूमत ने और कायदे इस पर इख्तलाफ ने अनकंडीशनल ऐलान किया है, उससे ज़्यादा अब ना मेरा पोजीशन है ना मेरा वोटिंग ताकत है कि मैं इससे ज़्यादा मुतालबा करूँ. आपने नैब ऑर्डिनेंस के बारे में भी पूछा था. मैंने उस वक्त शाहिद के अंदर जल्दी में ये ऑर्डिनेंस मैंने उस वक्त भी बयान दिया था कि ये साबित कर देता है कि हुकूमत हमारे मौकिफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के असूली मौकिफ को मान रही है कि नैब और मीशत साथ साथ नहीं चलता. और ये भी दिखा रहे हैं कि वो जो एक काम वो चाहते हैं नैब पे, नैब से वो सियासी इंतकाम है. इसलिए उन्होंने नैब तो पहले से ना हमारा अदलिया का ना हमारा मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी का एहतसाब करवा सकते थे और अब ना नैब हमारा ब्यूरोक्रेसी का या बिजनेस कम्युनिटी का, ना ब्यूरोक्रेसी का उनको पता है रूल्स ऑफ प्रोसीजर को, ना सियासतदान को, ना किसी और को. तो इस पे हमें देखना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. और हुकूमत अगर इस मौकफ पे आ रही है, समझ रही है, अपने बिजनेसमैन के सामने कह रही है, ये पैगाम दे रही है कि नैब और मीशत साथ साथ नहीं चल सकते, तो हमारे साथ बैठे ऑर्डिनेंस के थ्रू नहीं, लेजिस्लेशन करवाए, हम नैब को बंद करें, नैब पे ताला लगाए, ख़त्म करवा दे और एक नया एहतसाब का निज़ाम लेकर आए जो शफाफ हो, इंसाफ करवाए, इंतकाम ना हो, अक्रॉस द बोर्ड हो, जिससे वाकई हम सिर्फ और सिर्फ करप्शन के पीछे चले जाए. और ये जो इंतकाम की रवायत होता है, जो नैब का एक्सटोशन का सियासी एक्सटोशन और एक्चुअल फाइनेंशियल एक्सटोशन, इसलिए हर केस पे उनका नैब के कानून में उनके लिए एक परसेंटेज रखा गया है, वो सारा निज़ाम हम ख़त्म करें और हम अपना रूल ऑफ लॉ को मजबूत करें, हम अपना सिस्टम्स को मजबूत करें और हम अपना अकाउंटेबिलिटी का प्रोसीजर को मजबूत करें. उम्मीद इस पर भी मैं रख रहा हूँ हुकूमत के बयानबाज से, हुकूमत से एक्शन से, इस ऑर्डिनेंस से, कि शायद ये इस प्रोसेस को आगे लेके चलने के लिए तैयार होंगे, जो कि एक कामयाबी होगा. मैं समझ